Hello, 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 everybody. We are live. Hey, Freddy. Hi. Hello. Freddy is right on time. It's like German time. Hey, Naveen. Hi. Hi, hi, hi. Hi, Prince. Okay, Dada has joined. Very nice, very nice, very nice, very nice. Okay. दाढ़ी रखूं अभी परमानेंट Permanent? Oh, permanent? Nothing is permanent. Change is permanent. But this is looking good, huh? Nice, long hair and देखो same से. सिर्फ मैंने पोनी बांधा है बस. हाँ, मैं पोनी बांधने के जितना हुआ नहीं अभी तक. हाँ, अगला ride करेंगे तब तक पोनी बांधेंगे और twins करके photo निकालेंगे. अरे एकदम एकदम भाई एकदम हो जाएगा एकदम first class. हाँ, okay, बढ़िया. Welcome, Dada, to our channel. Thank you so much. कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए आई एम वेरी हैप्पी सो फ्रेडी आ गया है भाई तो फ्रेडी इज लाइक जर्मन टाइम 5 बजे फ्रेडी इज ऑलरेडी ऑन द दिस फ्रेडी फ्रेडी है पक्का हाँ बिल्कुल बिल्कुल ग्रेट तो मैं इंट्रोडक्शन करने का गलती नहीं करूंगा बिकॉज जितने लोग हैं हमारे साथ में वो सब जानते हैं कि आप कौन हो मेरे को कोई इंट्रोडक्शन करने का जरूरत नहीं है मैं इंट्रोडक्शन करूंगा भी नहीं हमारे लिए देवाशीष घोष इज दादा आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हिम दादा फ्रॉम द डे दैट आई मेट हिम एंड आई रिमेम्बर दादा हम लोग पहले HOI का एक ये था जब हम मिले थे आपने मेरे को वो दिया था आज मेरे पास अभी भी है उसमें एकदम मैं छोटा सा कवड़ा सा बच्चा लगता था मैं वो पोस्ट करूंगा ओके बट वेलकम थैंक यू अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है तो मैं आपको जितना भी व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगा शायद ये कवर किया हो आपने नहीं किया हो बट जितना मुझे पूछना है आपको मैं पूछने वाला हूँ और आप उसका जवाब दे रहे हो लवली अब मैं कम बात करूंगा अभी आप ज्यादा बात ओके तो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे लोगों को होगा मुझे भी है कि आपने बाइक चलाना कब सीखा और कौन सी बाइक पे सीखा मैं साइकिल चलाना सीखा बाइक तो वैसे ही चल गया बट साइकिल के बाद तो मोटरसाइकिल वाला बाइक कौन सा स्टार्ट किया हम लोग कैसे लूंगा आई एग्री आई वाज What? I was not even 18 years, यार. वो एक हमारा ना दूध वाला आने का दूध वाला क्या तो बुलेट पे आने का तो उसका बुलेट खिंचा के लेने का राउंड मार के आ जाना बुलेट अभी फुल स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है बट फिर बाद में देन ही यूज्ड टू वर्क फॉर माय फादर आल्सो एंड देन आई यूज्ड टू टेक हिज बुलेट एंड मैं हॉस्टल से कभी भी आने का ना तो उसको बोलने का भाई बुलेट छोड़ के जा अरे वाह माय फादर वेरी गुड टू लाइक दैट आई यूज्ड टू राइड अ मोटरसाइकिल सो बट देन देयर वाज हाउ कम यू हैव अ साउथ इंडियन एक्सेंट एक कौन पूछता है हाउ कम आई हैव अ साउथ इंडियन एक्सेंट क्या रे भाई आई हैव सो मच जॉब दो भी अलग बात है ओके ओके तो आई हैव सीन बोथ योर बाइक्स आई रियली लव द ब्यूटीफुल आर्टवर्क ऑन योर फैट बॉय And your GS is a, I think you got it before BMW officially started in India, right? Yeah. Just before that. Yeah. दोनों bikes आपको बहुत पसंद है. Harley के बारे में, Fat Boy के बारे में आपको क्या पसंद है? और GS के बारे में what is it that you like? वापस I'm saying, see, I think some network वाला issue, but मैं बोल रहा हूँ कि आपको हाली हाँ, आपके हाँ, फैटबॉय के बारे में क्या पसंद है और आपके जीएस के बारे में क्या पसंद है टू वेरी डिफरेंट बाइक्स फैटबॉय के बारे में तो मेरे को उसका साउंड बहुत पसंद है यार मतलब उसका अरे इट्स म्यूजिक टू माय ईयर क्या मैं मेरे को इतना साउंड इतना मस्त लगती है ना
फिर उसका क्रोम, फिर उसका इट्स लाइक यू गिव द यू कैन गिव द कैरेक्टर टू योर मोटरसाइकिल. यू नो यू गेट अ मोटरसाइकिल जैसा जैसा नहीं कहा हालीज का ही स्पेशलिटी है शायद कि तुम स्टॉक बाइक लो एंड देन यू गिव योर कैरेक्टर टू द मोटरसाइकिल. सो वेन एवर योर बाइक इज पार्क है ऐसा बोल सकता कि ये देवू का बाइक है, ये सैम का बाइक है, ये डैनी का बाइक है, फ्रेडी का बाइक है. सो यू कैन गिव अ कैरेक्टर टू योर मोटरसाइकिल. सो दैट इज हाउ हालीज आर स्पेशलाइज्ड इन. एंड बीएमडब्ल्यू तो भाई वो तो तुम किधर भी जाओ कैसा भी जाओ यू मेक योर ओन रोड्स वाला हिसाब किताब है इसके लिए बीएमडब्ल्यू ऑफकोर्स. और वो तो बहुत चला है, बहुत बहुत जगह पे चला है, बहुत सारे कंट्रीज में चला है, बहुत अलग अलग कंडीशन में चला है, तो उसको सब जगह पे चला लिया एवरीवेयर. लवली. मेरे को आपका वीडियोस देखते हुए ना आप हमेशा वो आई एम ब्रिज आता था तो बहुत एक्साइटेड आई ऑलवेज सॉ आई एम ब्रिज. सो मेरे को ना टेल यू व्हाट सो आई एम क्यों एक्साइटेड होता हूं. हां अरे वो क्या है ना मेरे को ना नेटवर्क 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 जैसे कि हाँ हाँ बोलिए बोलिए आ रहा है बराबर आ रहा है. एंटिक चीजें बहुत अच्छी लगती है ये. हाँ तो मेरे को मालूम नहीं क्यों आयरन ब्रिज मेरे को बड़ा फैसिनेट करता नहीं क्या. जैसे कि अपना हावड़ा ब्रिज मेरे को बहुत फैसिनेट करता है और जिधर भी ऐसा टाइप नहीं कि आयरन टाइप ब्रिज रहता है आयरन ब्रिज तक मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. तो होता है ना कोई कोई चीज कोई कोई लोग कुछ देख के खुश होते रहता है मैं आयरन ब्रिज देख के खुश होता रहता. एक्चुअली वो जो कंडीशन में आप चला रहे थे वो पर्टिकुलर टाइप का टेरेन मतलब जो पुराना आयरन ब्रिज बनता था उसके ऊपर आप जो टाइम पे चला रहे थे जब काफी जगह पे चली हमी यार नेटवर्क का बहुत गंदा प्रॉब्लम. नेटवर्क ऑन ऑफ बार बार क्या हो रहा पता नहीं समझ में आ रहा है. इज इट माय नेटवर्क कुछ नहीं वुड बी पॉसिबल ना मैं तो बोल. एनीवेज आपको सुनाई दे रहा अभी एक मिनट. हाँ हाँ मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यार. अच्छा ओके चलो ठीक है मैं बच गया तो आई वाज सेइंग कि वो अभी हम लोग जब भी चलाते हैं हमको ना छोटा सा वो गटर का कवर जो रहता ना जो बेसिकली इट्स मेड ऑफ आयरन राइट एंड इफ इट्स वेट देन इवन वन माइक्रो सेकेंड ऑन टॉप ऑफ इट इज क्वाइट स्लिपरी. एंड व्हेन वी डू we did these Ladakh journeys and all of that tabhi when you go across these metal bridges they are extremely slippery and difficult terrain. Ha 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 and you were to matlab thoroughly fully enjoying it. So what was your technique on that? Nahi technique matlab kya karoge dekh dekh ke kya hota na ki riding an adventure motorcycle aisa nahi hai ki tum an adventure motorcycle kharida baitha aur तुम चला लिए. इट यू नीड अ टेक्निक टू राइड दिस काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल और यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ टू राइड दैट काइंड ऑफ अ बाइक. ऐसा तो बाइक चला लेगा यहाँ से जिधर भी जाने का होगा तो चला लेगा लेकिन बट देन यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न द प्रॉपर टेक्निक. इट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू राइड इन दिस काइंड ऑफ टेरेन. तो हम लोग फ्रेडी हम लोग सब मिलके वी हैड टेकन अच्छा क्रैश कोर्स किए थे इस पे क्या? फिर बाद में अभी तो मैं फ्रेडी जाके तो लंदन में भी और एक ट्रायम्प पे क्रैश कोर्स करके आया. सो एडवेंचर मोटरसाइकिल डजंट मैटर ट्रायम्प हो या बीएमडब्ल्यू हो खाली डुकाटी नहीं होनी चाहिए. श्रीनी को टैग करेंगे हम लोग वीडियो में बाद में. But I seriously feel that you need to train yourself on these kind of motorcycles. Yeah, absolutely. And also the height of the vehicle, right? So you are quite tall. You're taller than me. You're 6'2". Okay. And on a tall bike like that, riding it on a tough terrain, वो काफी मुश्किल काम होता है. उसके लिए काफी skill चाहिए होता है. So obviously your training and definitely helped in managing all of the terrains when you went across the world also. So brilliant. अभी आप एक बात बताइए कि आप एक जैकेट पहनते हो आपका स्पेशल वाला.
Can you talk us about it? Because I always talk when I'm talking about things, I always talk about importance of the right gear when you're riding. So tell us, talk to us about your gear. See, I tell you what, you must be knowing better. For the world ride, I had ordered a jacket and I ordered the gear from US, Olympus company ka. US se mangaya tha. और मैं निकल गया राइड के वक्त एंड फ्रेडी डिजाइन्स अ ब्लडी जैकेट व्हिच इज फार मोर सुपीरियर देन व्हाट आई वाज वेयरिंग एंड दिस बगर एंड इट इज लाइक नहीं कंपैरेटिवली टू द कॉस्ट व्हाट आई हैव पेड इन यूएस ये तो एकदम थ्रो अवे प्राइस में बनाया था. तो मैं फ्रेडी को बोला कमीना साला मेरे को तब नहीं बनाने को होता था जब मैं जा रहा था. So that time उसके पास नहीं कि he had this concept wise में चल रहा था उसका. He was designing it, चार different jacket लेके वो design कर रहा था और वो मेरे को भेजने वाला था एक prototype. लेकिन वो prototype भी साला ready नहीं हुआ था और by the time वो prototype जब उसका product निकला तो I was back. Then I tried his jacket which you are तेरे पास सब लोग कभी आता होगा सब लोग. I tried it in South Africa. I think it is one of the best jackets which I have worn. Iske baare mein I have spoken in my South Africa ka video where Freddie and me were conversing and I spoke to Freddie bola ki wo deniers ka kitna denier micro denier wagera wagera wo sab pura details. और निखिल ने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है बाकायदा उसका जैकेट का टफनेस के बारे में. सो आई बिलीव दैट इज द बेस्ट जैकेट आई कुड एवर कम अक्रॉस सो फार. एंड क्या है ना ही व्हाट आई स्पोक टू अरे जो भी है यार इधर आओ ना यार इधर फेसबुक में क्यों मैसेज कर रहा है जो क्या बोल रहा था रे. You're saying you spoke to somebody about the jacket. I spoke to who? You were saying you were speaking to somebody about the jacket. मतलब ये पूरा निखिल ने पहना हुआ था फिर उसने. निखिल और तो ये कारण के लिए I think that is the best jacket I've ever had so far. Right. क्या है ना क्या मैं भी उसको और इतना बारीकी से उसने डिजाइन किया है ना हर एक एस्पेक्ट पकड़ा है. जहाँ पे उसका मेरे को लगा कि बराबर नहीं है तो उसको बोला कि मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है. तो आई थिंक बट देन मैंने उसको बोला मास प्रोडक्शन कर तो बोला कि नहीं यार एक तो मास प्रोडक्शन करके कुछ पीपल हियर आर वेरी प्राइस सेंसिटिव. तो मैं इसके लिए हाँ प्राइस सेंसिटिव सी इट इज अगेन इट इज व्हाट यू वैल्यू योर लाइफ. मेरे को 15,000 जैकेट के लिए देने को बोलेगा क्या मैं 50,000 दे देगा यार. अपना वैल्यू अपना लाइफ का वैल्यू मच मोर. क्योंकि मैंने देखा है अच्छा जैकेट होने का फायदा क्या है. क्योंकि मेरे सामने डीजे गिरा था बहुत भयंकर तरह से गिरा था और वो बचा पड़ा है खाली उसके गियर के वजह से बस. तो वो तो सवाल ही नहीं उठता. मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ ये सेफ्टी के एस्पेक्ट्स में. मैं ये सेफ्टी एस्पेक्ट्स में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ. तो मैं अभी आई वाज स्पीकिंग टू फ्रेडी यस्टरडे ओनली देन ही वाज सेइंग दैट ही वुड लाइक टू यू नो ये कस्टम मेड करने वाला. क्योंकि वो होता ना कि अपना हाथ लंबा है तो नॉर्मल जो साइज में हाथ छोटा पड़ेगा तो ऐसा होता है ना. तो कस्टम मेड अपना मेजरमेंट भेज दो फ्रेडी को और फ्रेडी बना के 21 डेज में बना के दे देगा वैसा. तो मैंने ऑर्डर किया हूँ भाई मेरा पैंट दे देना नीचे ब्लैक. तूने तेरे पार्ट तो मैं तेरे को पहला बना के दिया था ना मामला दिया था अभी नया देना. उसका मॉडल चेंज हो गया ना अभी लेटेस्ट मॉडल तो अच्छा डिजाइन किया ना मेरा जिन्ना मॉडल में था अभी नया पैंट देना. तो I'm sure, and Dada, a lot of people call me for that and to ask me whether they have the pants also. So I said, "Yar, pants humne production mein nahi dala tha, Freddy ne." So he said, "Nikhil ke paas dekha hua hai." नहीं वो तो निखिल के लिए स्पेशल मेड मेरे लिए भी
स्पेशल मेड और खुद के लिए स्पेशली मेड था, स्पेशली मेड किया है इसने। लेकिन क्या ना, पैंट्स में भी बहुत ट्रिकी होता है, मालूम है इनसीम किसका अलग होता है फिर किसका अलग, तो वो बराबर से अगर मेजरमेंट कोई दे देगा ना, तो आई थिंक इट इज मच बेटर देन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाइक में तुम कंफर्टेबल होना चाहिए, तुम्हारा आया कुछ और तुम पहना कुछ और, बाद में बैठने को नहीं हो रहा तुम्हारे को, क्योंकि इफ यू आर गोइंग फॉर अ रॉन्ग लॉन्ग राइड देन इट इज। एंड मैंने ये चीज भी मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ कि जैकेट तो मिल जाता है, पैंट्स के बड़े बड़े वांदे हो जाते हैं, तो मैंने अच्छा ढंग के कोई पैंट्स दिखता नहीं। थाईलैंड वाईलैंड में अच्छा मिलता है जीन्स वींस, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलता जो जो क्वालिटी विच विच वी आर लुकिंग एट। काफी लोगों ने पूछा कहाँ मिलेगा, आई विल पुट अ लिंक ऑल्सो वंस वी फिनिश दिस वीडियो, आई विल पुट अ लिंक डाउन फॉर पीपल टू क्लिक एंड दे कैन मैसेज फ्रेडी ऑल्सो ऑन मिंजा चैनल, कनिका जॉली, बट नॉट एवरीवन कैन गेट अ कस्टम मेड। अरे मोरा भाई डालो ना इसको, यू कैन भेजो, यू कैन आई विल सैम को भेजो, तुम्हारा मेजरमेंट भेजो, फिर हमारा फ्रेडी बाबा बना के देगा, पैसा भी। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट आई थिंक इट्स नहीं, बिल्कुल सही है दादा, मतलब अगर हम लोग इतना सब खर्चा कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो हमने अपना सेफ्टी पे खर्चा करना चाहिए, तो एब्सोल्युटली राइट है। लंबे राइड में एकदम छोटा छोटा चीज भी बहुत पेनफुल हो जाते हैं। नहीं सो या मेन चीज इज तुम जितना कंफर्टेबल तुम्हारे गियर में होएगा ना, उतने इट राइड बिकम्स वेरी इजीयर, दैट इज व्हाट आई। एब्सोल्युटली। मेरे को आपको यही टॉपिक पे और एक चीज पूछनी है, मतलब राइडिंग के और एडीवी स्पेशली व्हीकल। हम लोग जब कोहली हिल्स गए थे, हम लोग सब जब कोहली हिल्स गए थे, आपको शायद वो मेरे को रिमाइंड करना पड़ेगा, तो श्रीनी, मैं, आप, जुबिन, फ्रेडी, हम लोग सब गए थे, आई थिंक हु एल्स वाज देयर, वी हैड कपल मोर गाइस राइट हमारे साथ में। अरे अपना वो था ना श्रुति, क्या नाम है उसका, नाखवा, तो मेरा भाई भी था ना, विनु भी था। हाँ तो तभी आई रिमेम्बर श्रीनी कोई शॉर्टकट लेके अंदर से वो रूट के लिए जा रहा था, एंड गांव में और कहीं बीच में से स्मॉल रूट, एंड देन वी केम टू वन स्पॉट जहाँ पे पानी ऐसा भरा हुआ था, और कितना पानी भरा हुआ था मालूम नहीं, तो मैं हम लोग सब लोग एक्सेप्ट वन पर्सन, आई थिंक एवरीबडी वाज इन एडीवी ना, हम लोग सब लोग एडीवी में था ना। हाँ तो मेरे आगे आई थिंक जुबिन या किसी ने साइड से निकाला, फ्रेडी ने साइड से निकाला, मैं खड़ा था कि भाई जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि समझ नहीं था कितना डीप है, और मैं रुका था तो मेरे पीछे से आप ऐसा भगा के खड़े रह के उसके ऊपर से निकल। सो प्रोबेबली द राइट थिंग टू डू, बट एंड अ लॉट ऑफ पीपल सी दीज थिंग्स, बट आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो आस्क यू एंड आई वॉन्ट टू टेल पीपल हाउ इम्पोर्टेंट गेटिंग ट्रेंड इज फॉर बींग एबल टू डू दीज थिंग्स। ताकत होना चाहिए और ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए बस, ट्रेन इफ यू आर ट्रेन टू राइड दिस काइंड ऑफ टेरेन ना, वो मान में तुम्हारे को कुछ इजी लगेगा नहीं, वो खाली क्या कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर ट्रेन नहीं रहेगा ना, तो फिर देखो यार, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मोटरसाइकिल इज इम्पोर्टेंट, सो इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल सीजी पकड़ने का ना, तो ऑब्वियसली हर एक चीज में तुम डरोगे, कोई भी पानी आ गया गिर गया तो क्या होगा वो ऐसा, एक बार तुम्हारे को सीजी आ गया बराबर बैलेंसिंग आ गया, मतलब आटा खींच डालेगा तुम कॉन्फिडेंस में, और जितना प्रैक्टिस कर सकते उतना अच्छा होगा। Somebody is asking if you were in a movie. I was in a movie. अरे फोन लेता नहीं है रेना, तो मैं जाता था रे। कोई प्रोड्यूसर है वहाँ पे? Anybody watching? Please let me know. Let Dave know. Practice is important. Training is ready का देख. Practice is important as a training. Damn bloody hell. Otherwise I tap in the neck and dead to you will die. But you know what, man, the thing, the funny thing is, when you go and start searching, no? So if you put Debashish Ghost, वो पहला कोई ना कोई ना नेटवर्क का वीडियो बनाया रहता है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन, कहाँ से निकला, और सब नल्ला। मैं कसम से ना यार, वो जो नेटवर्क बताया ना वीडियो में, मैंने देखा, मैंने आई हैव ऑल्सो सीन इट,
मैं बोला हटा साला, इतना कम बताया, मैं बोला चल मेरा बड़ा इंसल्ट कर दिया यार। अरे भाई लोग नेटवर्क का वीडियो मत बनाओ, नेटवर्क वीडियो मत बनाओ, दादा को पूछो थोड़ा दो चार जीरो एंड में और लगाना चाहिए। इतना इतना मतलब मेरे को हल्के में गिनती करता यार, मेरे को थोड़ा डिप्रेशन हो गया था यार। I was in US that time, so I चलता ठीक है, ओके। I am always wondering इन लोग मतलब ये इनका source of information क्या है? एक जना देबू भाई, why don't you post more videos on YouTube? भाई मैं ride नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा तो नहीं किया भाई, मैं घर पे हूँ, मैं ये एप्पल खा रहा हूँ, ये सब तो वीडियोस मैं बनाऊंगा नहीं। When I'm riding, I will definitely post videos. दो वीडियो का भी मेरा दो राइड के पड़े हैं जो मेरे को एडिट करने को टाइम नहीं मिला, अभी टाइम है, लेकिन वो जिन्हें वीडियो जाने दे, इतना भी कुछ खास नहीं राइड था। ये अपन यार ये क्या, वो अपन अभी ये इधर जाके आए क्या, वो औरा में वो उसको क्या दिखाएगा यार, औरा में क्या दिखाऊं मैं? बट देन लंबा राइड अगर कोई मारेगा ना तो डेफिनेटली आई एम गोना पोस्ट वीडियोज ऑन यूट्यूब। देवू सर गुजरात आओगे, ऑब्वियसली गुजरात आएगा ना, कि नहीं आएगा? देवू भाई आई थिंक समबडी इज इन पाकिस्तान में राइड कब करोगे? पाकिस्तान में राइड कब करोगे मालूम नहीं यार, पाकिस्तान में राइड कब करोगे? मेरा इच्छा तो है एक बार वो ना क्या गेट से पाकिस्तान जाके ईरान जाने का, लेकिन देखो अभी ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है क्या करने का। अबे स्वप्निल भी आया, सोपो देवू दादा, अरे जस्ट फोकस 1986 मैं भी हूँ इधर, बड़े स्टार लोग कोई पूछ रहा नहीं है, साइड एक्टर को पूछ रहा है, पूछने तो थोड़ा भाव मिल रहा इधर क्या हाउ डेथ वैली में राइट किया। ए देवू इज योर मैरिज लव मैरिज? नहीं भाई अरेंज मैरिज, लव मैरिज था। हाउ वाज योर साउथ अफ्रीका राइड? हाउ डिफरेंट और इजी वाज आफ्टर द वर्ल्ड राइड? गुड क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका राइड वाज मोर ऑफ अ वेरी लीजर काइंड ऑफ राइड। इट वाज क्या है कि कैसा है कि सब कुछ सामने वाला आइटनरी रेडी एंड वो आइटनरी को फॉलो कर रहे, पीछे मस्त बैकअप व्हीकल आ रही है, और फिर जब अपन यहीं रुके तो भाई चाय आ जाने की, वो थोड़ा बहुत लग्जरी वाला राइड था। तो वर्ल्ड राइड वैसा नहीं होता है, वर्ल्ड राइड इज अ बिट टफ, यू डोंट नो किधर तुम रुकने वाले हो, तुम्हारे को खाना क्या मिलने वाला है, तुम्हारे को खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो सब रहता है। तो फिर इट इज वर्ल्ड राइड इज एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम देन व्हाट आई डिड ऑन द साउथ अफ्रीका राइड, बट इट वाज अ फन राइड। सो साउथ अफ्रीका इज आल्सो क्वाइट डेंजरस इफ यू डोंट यू नो इफ यू डोंट गो विद समबडी हु नोस द टेरेन द टाइमिंग और वो सब ना। दिनू भी आया। दिनू क्या बोल रहा है? हेलो देवू डार्लिंग, हरे कृष्णा डार्लिंग, लव यू दिनू। और मेरा तो सारा एशियन राइड में ना वी वर 5 ऑफ अस, ओली क्या धमाल किया यार, एंड दैट वाज द टाइम वी वी हैड टेकन आवर हालीज फ्रॉम हियर टू सिंगापुर। वहां पे मेरे को ना मालूम पड़ा कि एडवेंचर बाइक और रोड बाइक में क्या फर्क होता है, मतलब क्रूजर बाइक में। पहले अपने को हाली किधर भी चलता है ना, सैंड आ गया तो फिर जो वो 50-60-70 किलोमीटर हम लोग 6 घंटा लिए भाई, तभी मालूम रास्ता नहीं था ना वहां पे में चला रहे थे यार। वो और फिर मैंने खड़ा रह के नहीं करके लेते थे। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा था और वो एक कोई तो देयर वाज सम जीप इन फ्रंट ऑफ यू एंड इतना वो एक एक फुट का स्लज था जहाँ पे सब गाड़ी अटका था, वो किधर था? अरे देख किसने तो लिखा This guy looks like Ram Kapoor. भाई तू राम कपूर जैसा दिखता बोले? मैं वाकई में I'll show you an old picture राम कपूर का, मैं भेजता हूँ उसके बाद में। वो देख के किसी ने मेरे को पूछा तूने ये फोटो कब निकाला करके? वो राम को बोला भी कि I have an old picture, long time ago। अब राम कपूर तो मोटू मोटू है ना यार, फिटू।
पहले का मॉडलिंग डेज का बात कर रहे ना। अच्छा मेरे को थोड़ा एशियन रेड के बारे में बताओ। आलोक आलोक भी आया, आलोक भी आया। हाँ बोलना। हाँ हाँ, एशियन रेड का थोड़ा और बताओ, कैसा कैसा था वो, क्या चैलेंजिंग पार्ट्स वो देखा हमने, बट व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? बेस्ट पार्ट की फर्स्ट टाइम हम लोग ने डीजे को नॉनवेज खिलाया, उसको मालूम नहीं ना। दिस इज द मोस्ट फनी पार्ट अबाउट डीजे। तो अगर मैं भी वेज था तब, डीजे तो एकदम थोड़ा जेन, और लेकिन मैं थोड़ा ना किधर किधर कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। तो हम लोग थाईलैंड में रुका है, सब कुछ कुछ नहीं मिल रहा था, तो बोला भाई वेज सूप ही पी लेते। तो वेज सूप में वो पानी डालते ना, स्टॉक स्टॉक, वो चिकन बॉयल होता रहता ना, उसका पानी रहता है ये। हाँ, तो हाँ, अभी इन लोग अलग से तो पानी बॉयल उबालेंगे नहीं। मैं बोला अभी क्या है, कुछ खाने को नहीं मिल रहे तो भले अपन अपना तो नियत साफ है, भले चिकन बॉईल होने वाला पानी हो या कोई भी पानी हो दे भाई। तो मैं खा रहा था और मैं थोड़ी एक प्लेट लेके मैं चुपचाप बैठा, तो ये आया, अरे क्या भाई, ये तो पानी तो बड़ा मस्त है, सूप तो बड़ा मस्त है। तो मैं उसको बोलने वाला था, तो अपना योहान हरामी वो मेरे को रोक दिया, मतलब मत बोल। तो बोला भाई तू लेना लेना, वो बोला नहीं नहीं मेरा इतना ही, तो मैं और लेके आता हूँ। और लेके खींचा खींचा खींचा, भाई वो जो पानी है ना वो चिकन उबालता उसका पानी है, हट ऐसा नहीं। तो बोला जाके पूछ। तो गया आंटी के पास, बोला व्हाट आर फ्रॉम वेयर, खोल के दिखाई, अंदर चिकन उबल रहा था। अब जो गाली दिया मेरे को, मैं बोला यार चला एक दिन तक बात नहीं किया था मेरे से, बोला तुम लोग मेरा धर्म भ्रष्ट कर डाला, आराम बोलेगा तो ऐसा कैसा। बहुत मजा आया था। इंडियन डीजे वाइज वेरी स्वीट यार, फुल फुल टाइम पास है, ही इज वेरी स्पोर्टिंग फेलो, बट हां खाने के मामले में थोड़ा हुआ रहेगा ऑब्वियसली। उसमें स्पोर्टिंग नहीं हो सकते। क्या बोल रहे हैं दादा, समथिंग बोल रहे हैं। एक जन पूछता सुन रहे, एक जन पूछा, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ बिजी इन क्वारंटाइन? झाड़ू पोछा बर्तन, वो स्टैंडर्ड आंसर है सबका, झाड़ू पोछा। मैं बर्तन करता हूँ, मेरे को मालूम पड़ता ना आज मेरा घर कितना बड़ा है, ऐसा लगता गांव को। करो करो, फिटनेस बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगा, जितना बड़ा घर उतना ज्यादा फिटनेस रहेगा। वेरी गुड, गुड 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 गुड। ट्रैवल टू झारखंड, इफ नॉट यू मस्ट। नहीं हाँ, हम कर चुके हैं, झारखंड भी कर चुके हैं। डू यू देवुडा, डू यू स्टिल ईट नॉन वेजिटेरियन फूड आफ्टर द वर्ल्ड एंड? अभी तो हो गया ना नॉन वेजिटेरियन, अभी क्या है, सब हो गया अभी। सर BMW बोर हो गई होगी, उसको चला लो प्लीज, हमको देखना है। अरे चला लो कहाँ यार, लॉकडाउन में कहाँ चला लो। मेरे को यार देख यार, ये उम्र में आके पुलिस का डंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। निखिल भाई के साथ राइड, हाँ वो निखिल भाई को पूछो, विच वॉज योर बेस्ट राइड टिल नाउ? अरे ऑब्वियसली ऑब्वियसली द वर्ल्ड राइड, बेस्ट राइड एवर, प्रेम सागर ने बोला। हम लोग भी थोड़ा ज्यादा आंसर करेंगे। हाँ फुल गियर, डू यू हैव, तू यूट्यूब चैनल है क्या तेरा? हाँ है, ये भी डालूंगा उसके ऊपर, बट आई विल पोस्ट, आई विल पोस्ट लिंक, देख लेना फुल गियर। आई एम नॉट वेरी एक्टिव बट आई विल ट्राई टू बी फ्रॉम हियर। मेरे पास भी अपना कितना वीडियोस है। बोलो क्या बोलूं, कम टू शिली आफ्टर लॉकडाउन, कम टू शिलीगुड़ी। बोला सिलीगुड़ी आके बहुत बार गया। डू यू रिमेम्बर धवल ढोके? ऑब्वियसली आई रिमेम्बर धवल ढोके, और धवल वाज अ नाइस राइडर, इज अ नाइस राइडर, सुपर राइडर। एशियन राइड, आपने जस्ट फोकस क्या बताया, एशियन राइड का आई वाज गेटिंग ऑल अपडेट फर्स्ट हैंड। हाँ मालूम है भाई, तू बड़ा आदमी। अरे मैं डैनी डैनी आई टेल यू व्हाट, व्हेन आई वाज क्रॉसिंग म्यांमार ड्यूरिंग द वर्ल्ड राइड जाते वक्त, तो हम लोग ने वो सेम रूट लिए थे ना, तो मैं ये पूरा एशियन टीम की इतनी याद आ रही थी ना मेरे को, इतनी याद आ रही थी ना मेरे को कि क्या बताऊं। मैं पूरा टाइम वो RD को मिस कर रहा था, फिर अपना दीनू को तो कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था, क्योंकि
हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज वो बक्स में था, वो हाफ ऑफ द टाइम आई वॉज राइडिंग हिज मोटरसाइकिल. पहला मैं मेरा मोटरसाइकिल क्लियर करने का, फिर बाद में इसका आगे मोटरसाइकिल क्लियर करने का. तो बट इट वॉज सुपर्ब. लेकिन डैनी बहुत अच्छा गिटार बजा लेता है. क्या बात कर रही है, हमको मालूम नहीं है. अरे डैनी को पूछो, डैनी कुछ बोल तेरा गिटार के बारे में. देखते हैं मैं जवाब का आंसर करो. हमने कभी नहीं सुना डैनी गिटार बजाते. बाय द वे वर्ल्ड राइड व्हेन वी केम विद यू टू दिस इंदौर, उसके बाद बैकग्राउंड में मेरा जब भी वर्ल्ड राइड हम इंदौर आए थे ना, व्हेन वी वर लीविंग, वी ऑल लेफ्ट फ्रॉम हियर ना, मी यू जुबिन का आया था ना तभी. हाँ, तो हम लोग तभी आए वहां पे, और फिर मेरा और डैनी का बैकग्राउंड में चला था. अरे जाते के आगे मतलब इधर इंफाल तक जाते थे. तुम लोग गाने का था ना इंफाल तक, क्या मजा आया था यार. ए वो एक्चुअली डैनी वाज क्वाइट सी. आई टेल यू व्हाट, द टाइगर इज गुड और बीएमडब्ल्यू. बीएम हाउ स्टूपिड गो. बीएमडब्ल्यू के साथ तुम कंपेयर करो, ये मेरा टेक है. बाकी लोगों का बहुत अलग टेक होगा. फ्रेडी आई थिंक दादा द थिंग इज ना, वी आई रोड डैनीज बाइक फॉर अ गुड 100 किलोमीटर. हम लोग एक राइड से कैसे वापस आए कोई याद नहीं कभी. लेकिन वो बाइक The BMW is so solid on the road, ना ऐसा लगता है कि वो चिपक के पूरा चल रही है when you are on the highway. छोड़ेगा ही नहीं. There is a vast difference between the Tiger and the BMW. The Tiger is, see, I tell you what, if you take the 1200, I am talking about the 2. देख मैं BMW 800 चलाया नहीं है तो मैं ज्यादा comment नहीं मारेगा. तू अगर off road category में जाएगा ना, तो ऑफ रोड हार्ड कोर ऑफ रोड करने का होगा तो lighter the bike the better it is. And BM Beamer comes on the heavier side. So yeah, for off-roading, yes, I would rather prefer the Tiger on off-road. क्योंकि मेरे को off-road ज़्यादा करने का होएगा, then I would rather go for the Tiger than the Beamer. Yeah. I have not, and I'm telling you this because I've not ridden the 800 BMW. अगर 800 BMW का experience हो जाएगा तो फिर बाद में I would judge that 800 Beamer अच्छा है कि Tiger अच्छा है. लेकिन मेरे जितने भी दोस्त लोग हु आर राइडिंग द 800 BMW, दे से दैट इट इज मच मोर सुपीरियर देन द टाइगर. अभी टाइगर का 900 इज अ वेरी एडवांस वर्जन व्हिच आई अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी. तो ये जो आप बोल रहे थे ना, इसीलिए मैंने पूछा BMW का, क्योंकि ये 800 इज अ लाइटर बाइक, तो वो थोड़ा ऑफ रोड पे थोड़ा अच्छा पड़ता है. आई जस्ट रोड इजी पड़ता है. अभी डायरी मॉडल, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग राइड. अरे तो खत्म होने देना भाई, खत्म होने. तेरा तो क्या है तेरा तो भाई प्रोटीन पाउडर जिंदाबाद. हमारा तो जब रोज कुआ खोदना पड़ता है, कमाना पड़ता है. डैनी को बोले हम लोग की डैनी पूरा हम लोग प्लान तो राइट ऑलरेडी प्लान हो गया है. अभी क्या है डैनी, मैं और जुबिन तो प्लान कर दिया. हम लोग यहाँ से कन्याकुमारी मारने वाले हैं फर्स्ट राइड, बॉम्बे टू कन्याकुमारी एंड बैक. एंड डैनी तू तो रहेगा ही, और फ्रेडी भी रहेगा, बाबा भी रहेगा, ये शान तू भी है. मेरे को कैसा बोल रहे हो? अरे तू तो कहते आप मेरे को तो बोला हूं मैं. हाँ, मैं और फ्रेडी वी आर रिस्पांसिबल फॉर मैप अकॉर्डिंग टू मिस्टर वाडिया. देख डैनी बोला जैसे हैंड्स डाउन द बेस्ट बाइक एवर. यस यस डैनी बेबी. हां दोनों BMW वाले लोग मिल गए यहां पे. हां कोल्हापुर आने का कोई प्लान देबू भाई? अरे यार कोल्हापुरी मिसल खाने को आने का है मेरे को. सुबह निकलेंगे मिसल खा के वापस आएंगे. वापस आ सकते हैं. हाँ नहीं यार वो बहुत मेरे को ना यार ये ऐसा ये चिल्लर पार्टी राइड जमता नहीं है यार. ये क्या है वो नहीं क्या वो छेड़ना वाला बात हो जाता है यार. Like नहीं क्या 10 days I would enjoy that. ये क्या है ना वाले में क्या ये बच्चे लोग भी देखते होंगे ना. मैं तो एक अच्छा डायलॉग था यार. नहीं रहने दो. ये कोको कैसे है सर? हाँ you been to Hampi before? Obviously so many times. मेरे को जाने का है. मैं unfortunately हाल ही में गया
दो बार गया हूँ लेकिन हाल ही में गया, एक तो 2011 में गया था और एक बार में हॉग राइड था यार हम्पी में, तो हाँ। तभी गया था मैं। डैनी एकदम फुल ऑन एक्टिव है, बोल चुके हैं 10 दिन से सबसे फुल नहीं आ रहे कभी, बस 10 दिन ही होना चाहिए यार, नहीं तो क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। ये नहीं कि ऐसा चिल्लर पार्टी राइड जाने का, यहीं गया वापिस आया, ऐसा लगा कि यार ईव टीजिंग कर रहा है तो यार बाइक को। नहीं बट इस बार अभी जाएंगे तो थोड़ा कन्याकुमारी करेंगे तो धनुषकोड़ी और वो सब भी करना है। धनुषकोड़ी गया नहीं हूँ, मेरे को जाने का धनुषकोड़ी। करेंगे हाँ वो मजा आएगा, इट बी गुड फन, इट बी गुड फन, इट बी गुड फन। और क्या मैं जरा टाइम देख रहा हूँ दादा, बिकॉज इंस्टाग्राम को अरे कुछ नहीं होता है। डू यू रिमेम्बर मी इन द लास्ट सेशन आई आस्क्ड यू कैन अ गाय हु डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक कैन गो फॉर अ वर्ल्ड राइड। मैं बोला भाई राहुल तू तो यार एकदम सल्यूट है, तू तो ऐसा है कि ABCD सीखा नहीं तो मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम दे सकता हूँ क्या, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा है। तो तेरे को लगता है तो ठीक है भाई, हम क्या बोलेगा, अपना अपना इनबॉर्न टैलेंट पे होता है। ये आई विल नॉट से दैट इज अ वेरी माइल्ड आंसर है दादा। आई वुड से व्होएवर वांट्स टू डू अ वर्ल्ड राइड फर्स्ट लर्न हाउ टू राइड प्रॉपर्ली, यू हैव टू लर्न हाउ टू राइड। आई नो, आई टेल यू व्हाट, व्होएवर वांट्स टू डू अ वर्ल्ड राइड यू शुड नो योर कंट्री फर्स्ट, यू शुड राइड योर कंट्री फर्स्ट एंड देन यू बाहर जाएगा तब अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम जब अपना कंट्री चलाओगे ना तो तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो जाओगे तब तक। अपने पे सब टाइप का वेदर, सब टाइप का टेरेन मिलता है, बट यू नो वन थिंग दादा, आई वांटेड टू बॉस, अपने अपने इधर सब टाइप का वेदर टेरेन, अपने इधर सब का सब सब टाइप का वेदर टेरेन सब कुछ मिलता है, और अपने इधर नॉन डिसिप्लिन पब्लिक भी मिलता है जिनको ट्रैफिक सेंस नहीं मालूम रहता, और उसमें तुम बगैर गिर के बगैर ठुक के तुम तुम्हारा स्किल्स दिखा के अगर तुम बाहर आते हो देन यू आर द बेस्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई विल टेल यू वन इंस्टेंस दादा, ये हम लोग CSS ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो उसमें एक CSS ट्रेनिंग में देयर इज अ मॉड्यूल एंटिसिपेशन का मॉड्यूल, तो कि अरे आगे क्या होने वाला है आगे क्या नहीं होना, तो उसमें तो सर मुंबई वाले लोग फ्लाइंग कलर्स में पास हो गए, तो GS को ऐसा लीन करने का ना और डब्बा को स्क्रैप करने का, बोल मतलब है टैलेंटेड था। और मैं तब 160 में उन लोगों को कैचअप करने के चक्कर ना 160 में, और डीजे तो दिखाई नहीं देने का, डीजे आने का 15-20 मिनट के बाद, तो ये आके बोले यू फकर यू इंडियंस आर स्लो। मैं बोले बेटा यू ट्राई राइडिंग लाइक दिस इन आर माई कंट्री, ओ या यू ट्राई लाइक राइडिंग लाइक दिस इन माई कंट्री, मैं बोला देन आई वॉन्ट टू सी यू राइड एट दिस स्पीड इन योर कंट्री। ऑपोजिट साइड से आते वक्त मिलेगा कोई घाट पे से 160 में, ऑपोजिट साइड से कोई 160 में आता रहेगा घाट पे अपने आप। अरे क्रेजी लाइव सेशन प्लीज यूट्यूब पे अपलोड करो ए भाई, तू तेरे यूट्यूब पे अपलोड कर ले। हां हां मैं करूंगा दादा, आई विल सर मैम सर, आज अजय फ्रॉम सेवन आइलैंड, अरे वाह अजय, हेलो अजय शेट, अरे वाह कौन सा नया पार्ट आया क्या? लिस्ट आएगा बैड बॉय का, लिस्ट आएगा क्या क्या नया नया है। फ्रेडी क्या बोल रहा है, 99% ऑफ द पीपल ऑन रोड विल डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर नॉट सपोज्ड टू, विल टीच यू हाउ टू एंटिसिपेट। सामने से गुरुजी मिलेंगे अपने को रास्ते के ऊपर। अरे ब्रेडा तो अपना आई टैग लव फ्रॉम बांग्लादेश फॉर यू दादा, आई थिंक यू शुड से समथिंग इन बांग्ला आल्सो, किसी ने बोला बांग्ला में चलो बंगाली में बात करो कर। अरे तुम साला बंगाली होता था हम तुम्हारा बांग्ला के बांग्ला आबे
अच्छा ये आपने को इनवाइट करा भाई इसके फार्म हाउस पे राजीव मुड़कर ठीक है सर थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑफर नेक्स्ट टाइम वी आर राइडिंग सम दैट साइड डेफिनेटली यस 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 आफ्टर लॉकडाउन कोई राइड का प्लान है क्या है ना भाई आप भी तो बोले डू यू नो मराठी अरे आशा कर अरे बॉस ही इज मराठी माणूस मी मराठी माणूस और क्या क्वेश्चन है आस्क क्वेश्चन हैप्पी बर्थडे बोला थैंक यू लेकिन इट इज नॉट माय बर्थडे कितना एडवांस में बोला या कितना क्या बोलते हैं पास्ट में बोला लव फ्रॉम राजस्थान लव फ्रॉम राजस्थान ओके गाइस लेट्स गेट सम मोर क्वेश्चंस एंड वी हैव 10 मोर मिनट्स बोल 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 भाई जल्दी जल्दी डेथ वैली राइड डेथ वैली राइड करेगा ना करने का लेकिन ये लोग थोड़ा कोविड का मचान जाने दो आई वुड आल्सो लव टू डू दैट ओके इन पानीपत गौतम बेस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम वर्ल्ड ऑलरेडी बोल दिया दादा ने कोल्हापुर में मिशन पार्टी मेरी तरफ से कौन है भाई मिशन पार्टी दे रहा है भाई वेरी गुड हां या अच्छा राजवर्धन जी हां राजवर्धन अच्छा चांगला व्हायला पाहिजे एकदम दो क्वेश्चन आंसर किया साथ में एनी प्लान फॉर आसाम ए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आफ्टर मैरिज इज इट पॉसिबल टू डू ऑल दीज राइड्स देबू टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस इन साउथ अमेरिका एंड बोली अरे भाई पेरू बोले भी आज देख लेना वीडियो में यार इतना अच्छा शूट किया हुआ ऐसा क्या करता है नेपाल मुस्टैंग भी चल दूसरा हाँ In एक मिनट इन इंडियन इंडियन विथ जैकेट शूड वी बाय क्या मैश जैकेट या क्या क्या अच्छा क्वेश्चन था यार ऑल वेदर और मैश ऑल वेदर और मैश इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर अभी अभी फॉर एग्जाम्पल समर में तुम्हारे को मैश जैकेट ठीक रहेगा और ऑल वेदर गर्मी तो लगती है बस मैश इज प्रेफरेबल इन दो जैकेट रखो हम तो यही नहीं करते दादा वी तो आई हैव स्टॉप यूजिंग इनर लाइनर्स इन अ लॉन्ग टाइम तब मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर से पहनो बेटर है ठंडी रहेगी तो कुछ यू नो फ्लीस का कुछ पहन लो वो इनर लाइनर अगर बारिश नहीं हो तो मर जाएगा आदमी गर्मी से मेरे को ना मैं तेरे को मालूम मैं सच्ची बोलूं ना मेरे को बारिश में भीगने को बहुत मजा आता है मैं रेनकोट पहनने को ना मेरे को कहा ना ये अपने कंट्री में ना बारिश में गिल्ला होने को मजा आता है ये मैं रेनकोट पहना होएगा मैं वर्ल्ड वाइड पहना रेनकोट ठंडी के कारण रेनकोट पहना लेकिन आजकल मेरे को बारिश में गिल्ला होने को मजा आता है अभी हम लोग प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में रहते तो मैं और एक दो क्वेश्चन पूछता था इसमें बट नहीं है इसलिए मैं अवॉइड करूं ठीक है पूछना विच वॉज योर फर्स्ट एक क्वेश्चन फर्स्ट लॉन्ग राइड माई फर्स्ट सबसे लॉन्ग राइड वॉज फ्रॉम हियर टू तिरुपति हार्ली डेविडसन 2011 या 12 यहाँ से नहीं थी उससे पहला मैं ये मारा था कुर्ग मारा था 4,000 किलोमीटर का हाँ कुर्ग मारा था 10 जन थे हार्ली डेविडसन हार्ली पे था हाँ 2012 में 10 जन थे हम लोग हार्ली पे कुर्ग मारे थे That was a good center. Okay. Debu's riding jacket is Windsor ji use करे था ना वो World Ride के time? नहीं. World Ride अच्छा World Ride नहीं World Ride के time नहीं use करे. वो World Ride पे Olympus का क्या तो Ranger क्या कुछ तो था उसका ये World Ride का jacket का नाम. लेकिन right now I am using अपना Windsor वाला. Windsor. Yeah. When are you planning to ride to Mangalore? ये lockdown खत्म होएगा तो मेरे को उधर जाने को आएगा तो Mangalore लगेगा क्या नहीं लगेगा ना
बैंगलोर इतना जल्दी देव भाई इलेक्शन में खड़े रहो। अरे वाह यार जाना जमानत जब कराने की बात खड़े रहो विच वॉज योर फर्स्ट बाइक एवर इन लाइफ? कावासाकी बजाज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। कौन सा वाला? KB 100। KB 100। अरे नाइस फर्स्ट बाइक एवर। How long you are riding? राज पुरोहित जी पूछ रहे हैं how since how long you are riding? अरे कॉलेज में राइड कर रहा था बाद में सीधा आर्ली पकड़ा दे। फ्यूल एंड सोल इज आस्किंग हाउ वाज योर राइड? मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। दादा एंड देबू दादा हाउ वाज योर राइड टू कुली हिल्स वाया हुबली? भाई हुबली में तुम्हारे को मिला और क्या, हमारा तो धंधा धंधा हो गया फुल फुल धमाल धमाल। देखो यार पहला बाइक तो इजिएस्ट वे बोलू ना सर्विसिंग को देके आने का। सर्विसिंग को देने का चार दिन पहला देख के आओ, मतलब सर्विसिंग देख के आने का 4 दिन हाथ में होना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत घुमाने का, फिर मालूम पड़ेगा तुमने इन लोग ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। सो यू हैव द टाइम टू, ठीक है ना? ये इजी वे बताता हूँ नहीं तो तुम उतना खुद को अगर चेन टाइट करने का कल होएगा ना ये करने का होएगा तो यार खुद करो, या तुम सर्विसिंग को देख के आओ, सब ऑयल वॉयल सब चेंज वेंज करके फर्स्ट क्लास टायर वायर देख के look, they will do it for you, but still, what you have to see is you got to see your tire, you got to see your oil level. नहीं क्या? Petrol भरा के रखना ride के पहले, निकलने से पहले, lights वाइट बराबर चल रही है क्या, brakes वेक्स बराबर लग रही है क्या, ये सब देखो। और जितना light travel करो उतना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि अगर तुम 10 दिन का ride जा रहे हो तो 10 jeans 10 t-shirt वैसे सब नहीं करने का। एक जीन्स लेने का और 4 t-shirt लेने का, 4 अंडरवेयर लेने का, और तुम्हारा तो फुल टाइम इनर रहता ही है बाइक अगर कोई इनर पहनता है तो। अगर इनर नहीं पहनता है और टी शर्ट पे चला था तो फिर तुम देखो अपना कैसा रहता है। मेरा कैसा रहता है, अपन इनर पहनते हैं ना, टाइट्स पहनते हैं, टाइट्स कंप्रेशन जैसा अपना कैसा कंप्रेशन, जहाँ होटल में पहुंचा निकाल के धो धुआ के सुखा दिया जाता है और वही पहन के जैकेट और ये पहन के निकलो। दिस इज हाउ आई ऑपरेट। कोई लोग अंदर शॉर्ट्स पहनता है और टी शर्ट पहनता है, नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू, दैट इज दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दैट इज यू विल हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। या ट्रू, तो वैसा बिल्कुल आई डू द सेम, मतलब आई आल्सो कैरी कपड़े, इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू, वॉश कर दो शाम को, वॉश करके सुबह रेडी हो जाते हैं वापस निकल जाते हैं फटाफट। जो भी जहां पर भी कहा हम लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग राइड का ही मजा ले रहे हैं, जगह का लुफ्त तो जाने का कभी कभी रहता है, उसके लिए एक दूसरा पैर इज ओके फॉर सेट ऑफ क्लोथ्स, बट अदर देन दैट दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। दादा व्हाट इज वन क्वेश्चन होता है, वेयर इज दैट क्वेश्चन बाय दिस जेंटलमैन सेइंग कि आपका राइडिंग ड्रीम में क्या बाकी है, कुछ बाकी है ऐसा जो आपका राइडिंग ड्रीम है? हाय 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 मेरा बहुत राइडिंग ड्रीम है, अभी लॉन्ग वे राउंड मारा, अभी लॉन्ग वे अप करने का है मेरे को। आई वांट टू राइड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू फिनलैंड, विच आई वाज प्लानिंग, फर्स्ट प्लान था ये साल, फिर बाद में मैं मेरा फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद में बोला कि नेक्स्ट ईयर करेगा, अभी कोविड सिचुएशन के बाद देखने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर करेगा। बिल्कुल अभी तो पता भी नहीं कि कभी लोग, लेकिन वो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर करेगा, क्योंकि तब तक तो चला यार अपन भी थोड़ा पैसे वैसे जमा कर ले यार, वर्ल्ड एड में भी बहुत खर्चा हो गया ना, अभी तो बहुत गंदा सिचुएशन है और अपन को तो कोई स्पॉन्सर वॉन्सर करता नहीं है ना, आपने कोई अभी कोई पूछा था ना मूवी के लिए, पूछा था ना तो कोई कर ले लेगा मूवी में तो स्पॉन्सर हो जाएगा फिर, अभी भी सब ऑफ। अरे please, यार मूवी ये अपने, तेरे को मालूम है कैसा, ये अपने चाहने वाले लोग है, इन लोग को लगता है कि मैं थोड़ा ठीक ठाक दिखता हूँ, लोगों को नहीं दिखता है। हाँ बट कोई है मूवी बना दे तो बता दो। जैसे 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 अपने अपने चाहने वाले क्या प्यार में अंधे हो जाते हैं ना,
Nice. I'm having a lot of fun, but we have only 4 minutes left, Dada. I don't know. मतलब मैं प्रो नहीं हूँ इंस्टा में, बट मैं आजकल टाइमर रखता हूँ ताकि ऐसा कॉन्वर्सेशन ऐसा कुछ है क्या कि एक घंटे के ऊपर नहीं जा सकता? एक घंटा देता है वो, और वो लास्ट 30 सेकंड्स का टाइमर दिखता है ऊपर, तो कॉन्वर्सेशन कुछ भी अधूरा रह जाता है, मतलब क्या बात करते करते रह जाता है। हाँ, दो तीन बार हुआ मेरे साथ, तो दैट्स द थिंग। बट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने इतना राइड किया है और मोर देन एनीथिंग एल्स यू हैव रिडन सेफली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसके पहले कि हम लोग हमारा टाइम रन आउट करें, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आंसर करें, फिर हम बात करते रहेंगे जब तक खत्म हो। यंगर गाइज सम एडवाइस, पीपल लाइक यू नो वॉन्ट टू राइड सेफली, एंड दो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स कवर किया है बीच में, बट एक अगर आप सॉलिड पीस ऑफ एडवाइस देना चाहते हो कि कैसे करना चाहिए। देखो यार, एक तो ना पहला ना, यू शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर मशीन यू आर राइडिंग, बी रिस्पॉन्सिबल ऑन रोड, बी रिस्पॉन्सिबल ऑन रोड, यू शुड नॉट बी कम्पीटिंग ऑन रोड। जैसे कि अपन कैसे होते हैं ना कि रेस लगाने का, रेस वेस नहीं लगाने का, अपना स्लो एंड स्टडी जाने का, ये विथ मैच्योरिटी आता ऑफकोर्स, बट इट इज लाइक यू शुड अंडरस्टैंड इफ यू आर डूइंग अ लॉन्ग राइड, so if you are going at very high speed you will tire more, so if you want to right. go for long, be at the speed of your riding a BMW then 120 140 karega to tumhare ko fatigue nahi aayega, ye cheez agar bullet pe karega to 80 ke upar jane ka nahi rehta, harley pe karega to okay 100 120 pe ka range mein rahega, so it is but then you should be very responsible, you should know your motorcycle very well. You should know how your motorcycle responds to you. See, yeah. motorcycle should be a part of you. वो कैसा होता है ना, अपन अवतार पिक्चर देखे क्या? वो अवतार पिक्चर देखा क्या? सब लोग ने देखा ही होगा अवतार पिक्चर, तो नहीं क्या वो घोड़े पे बैठता तो लोग का छेंडी, घोड़े का छेंडी में लगाता है फिर वो घोड़ा नहीं क्या सिंक हो जाता है। See, it is something with the motorcycle is also it's like this. You know, you should True. The day you will feel that the motorcycle is part of your body. Then you will be very comfortable and very confident with the motorcycle. Right. It should be a part of it. And to become that, you should take care of the motorcycle also. You should love your motorcycle. Wo agar pyar nahi rahega na, to maza nahi aayega. Absolutely. You should be at sync. Absolutely. And jitna aap khayal rakhoge, utna aapko return bhi milta. कनेक्शन का थोड़ा वांदा हो रहा है यहाँ पे। नहीं, बोलो। मोटरसाइकिल का रिस्पांस तुम्हारे को मालूम पड़ेगा, एक बार रिस्पांस मालूम पड़ेगा तो नथिंग लाइक इट, बस और कुछ। बढ़िया, थैंक यू, दैट इज वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस। को ध्यान में रखो कि अपने बाइक को प्यार दो, अच्छे से संभालो, देन दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट यू विल गेट बैक फ्रॉम योर मोटरसाइकिल। Look after yourself also, stay fit, stay healthy, it improves your focus when you're trying to do long rides. So, you know, Debo is fit and he is strong, right? So, Sam, you should train your mind. Mind is much more stronger than the body. You should train your mind for, you should, tum mentally tum strong hona chahiye. Strong ho jata automatic. बिल्कुल। मेरा टाइमर भी मुझे 15-20 सेकंड 25 सेकंड कुछ तो दिख रहा है, ये देखो दूसरा फोन यूज कर रहा है उसके लिए। लवली पीपल, लव यू फॉर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लव यू एवरीवन, कितना थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दादा, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस, आई विल ट्राई एंड गेट यू अगेन, डिमांड होगा और थोड़ा। ये रात को मिलेगा क्या नीचे, शो ऑफ साला कौन है? मिलो उसको। चलो दादा, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू लोड्स, थैंक यू एवरीवन, लव यू, लव यू, बाय, टेक केयर दादा, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, बस मैंने जो बोलना था वो आपने बोल दिया, थैंक यू।
अरे चला अरे दादा चलो चलो बाय 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 बाय। इसको डिस्कनेक्ट कैसा करते हैं अभी? हाँ मैं कर रहा हूँ।